Hello students, today our topic is Python pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss some question answer related to Python pandas data frame. So let's start with question number 1. Consider the following code to create two data frames with similar values. What will be printed by the code given below? Justify your answer. So there is a code given here, you can easily see here. So first of all, let us see the code. First line is import pandas as pd, in which pandas library is imported to our program and it is renamed as pd. Next line, df1 is equal to pd.dataframe 1 2 3. These are the element of a list, and list is passed inside the data frame as a parameter value. So we can say that the data frame will be created or contain only a single column. Again, there is a data frame df2 pd.dataframe 1 2 3. So same line is repeated, but name of the data frame is df2 here. First line is print df1, and then df1 is written inside the double quotes. Second line is print df1, so df1 will be printed, data frame will be printed, then df2 will be printed. Okay, but the difference between these two lines, see the data frame 2. In data frame 1, the elements are 1, 2, 3, and these are the part of a list this way. But in second, data frame is look like this, 1, 2, 3. तो यहाँ data frame इस तरीके से दे रखा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? Data frame के अंदर ही हमने दे रखा है, ठीक है, मेंशन कर रखा है डेटा फ्रेम, आपका फंक्शन के थ्रू ही हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, पर यहाँ लिस्ट है सिंगल और यहाँ नेस्टेड लिस्ट है. तो इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जब हम एक डबल लिस्ट देते हैं, यहाँ पर नीचे वाले केस में देखिए आप, df2 वाली केस में, तो यहाँ पर हम एक दूसरी लिस्ट को और पास कर सकते थे, हमने पास नहीं किया इस तरीके से, ये हमने पास नहीं किया. इसको मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको. तो डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन प्रीवियस केस में चूंकि एक ही कॉलम था, एक ही लिस्ट थी, कोई नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एज ए कॉलम वर्क करेगा. अब यहाँ पर आप इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाएगा, ये जो 0 1 2 है ना, ये इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरीके से इस df2 में ये 0 1 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलिमेंट तो इतने ही है. तो मेन बात ये समझ में आती है इसमें हमको कि अगर हम एक लिस्ट पास करते हैं सिंगल पैरामीटर वैल्यू, तो डेटा फ्रेम फंक्शन में हमारा एक डेटा फ्रेम तो क्रिएट होगा, लेकिन वो ऐसे कॉलम काम करेगा. लेकिन अगर हम नेस्टेड लिस्ट पास करते हैं, उसमें सिंगल एक लिस्ट पास करते हैं, तो फिर हमारे मल्टीपल कॉलम्स बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से. तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये. यहाँ पर अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बस इन दोनों में आप देखिए डिफरेंस को. ये आपका नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आपने पास किया है डेटा को डेटा फ्रेम के अंदर, तो इसी से रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा आपका. सेकंड देखिए, अब देखिए रीज़न भी समझा रखा है. फर्स्ट डेटा फ्रेम df1 इज क्रिएटेड विद वन डायमेंशनल लिस्ट, एक वन डायमेंशनल लिस्ट है इसमें, हैंस ऑल इट्स वैल्यू आर टेकन एज ए न्यू रो फॉर डेटा फ्रेम df1 एंड ओनली वन कॉलम इज क्रिएटेड. तो एक ही कॉलम क्रिएट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एक ही लिस्ट थी, जबकि df2 में आपके डेटा फ्रेम df2 इज क्रिएटेड विद अ 2d लिस्ट, तो 2d लिस्ट थी इसके अंदर, वेयर इनर लिस्ट कंटेन 1 2 3, जिसमें सबसे पहली लिस्ट जो थी इनर लिस्ट थी 1 2 3 कंटेन की हुई थी. एंड सिंस इनर लिस्ट फॉर्म्स अ कॉलम वैल्यूज, दीज थ्री कॉलम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम थ्री वैल्यूज ऑफ इनर लिस्ट, देयर इज अ जस्ट वन इनर लिस्ट, हैंस वन रो ओनली. तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ एक ही रो बनेगी, क्योंकि एक ही इनर लिस्ट थी हमारे पास. तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड या इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपसे. चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. गिवन ए डेटा फ्रेम नेम बी डेटा एज शोन इन फिगर बिलो, फ्रूट्स नेम्स आर रो लेवल्स. तो फ्रूट्स नेम रो लेवल में फ्रूट्स नेम दे रखे हैं, देख भी सकते हैं हम, एप्पल दे रखा है, एप्पल दे रखा है, पियर दे रखा है, लाइम दे रखा है, ओके कोई बात नहीं.
राइट कोट स्टेटमेंट टू, राइट कोट स्टेटमेंट टू, फाइंड ऑल रोज विद लेबल एप्पल, एक्सट्रैक्ट ऑल कॉलम्स। तो इसमें हमें कोड लिखना है, आउटपुट नहीं बताना, कोड लिखना है। और पहली कंडीशन ये है कि हमें सभी रो एक्सट्रैक्ट करनी है, नहीं सभी कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं जिसका लेबल, रो लेबल एप्पल है। ठीक है, तो दो ही हैं यानी ये दोनों रो। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट ओनली द कॉलम काउंट एंड प्राइस यूजिंग एलओसी। तो काउंट और प्राइस को ही शो करना है एलओसी के थ्रू। एंड लिस्ट ओनली रोज विद लेबल एप्पल एंड पियर यूजिंग एलओसी। तो फिर एप्पल और पियर को एलओसी के थ्रू दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेट ए मिनट। ओके, ये डेटा फ्रेम का नेम है डेटा। ठीक, अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमको इतना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नेम, जो इस केस में क्या हो जाएगा डेटा, फिर लगाएंगे डॉट ऑपरेटर और फिर उसके बाद लिखेंगे एलओसी। एलओसी लिखने से क्या होता है आपका कि आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, तो हमको क्या एक्सेस करना है, फाइंड ऑल रोज विद लेबल एप्पल। तो हमको एप्पल रोज का पूरा डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर एप्पल लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप देखिए आपने एप्पल लिखा और इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि एप्पल से रिलेटेड जितना डेटा होगा वो आपका, एप्पल रो से रिलेटेड जितना डेटा होगा फॉर ऑल कॉलम्स वो आपका शो हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड में ये कहा गया लिस्ट ओनली द कॉलम्स काउंट एंड प्राइस यूजिंग एलओसी। अब सेकंड में हमको काउंट और प्राइस चाहिए खाली। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, जब हम इसमें देखते हैं तो एलओसी में जब हम लिखते हैं, ठीक है, एलओसी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में, तो पहले तो हम रो के बारे में लिखते हैं जो रो हमें सेलेक्ट करनी है, और फिर कॉलन लगा के हम कॉलम के बारे में लिखते हैं। क्योंकि फर्स्ट केस में हमको सिर्फ एप्पल वाली रो सेलेक्ट करनी थी, इसलिए हम पहले रो लिखेंगे तो एप्पल लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमको कॉलम सभी सेलेक्ट करनी थी, इसलिए हम कॉलन का साइन लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। इट मीन्स दैट ऑल कॉलम्स विल बी सेलेक्टेड इन दैट केस। इसका मतलब ये है कि सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने किसी एक कॉलम का नाम दिया ही नहीं। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, क्लियर। तो रो लिखी हमने एप्पल कॉमा, और एप्पल लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको कॉलन का साइन देने का मतलब ये है कि आपने फिर आपको और कोई कॉलम, आपने कॉलन के साइन के बाद आपने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब सभी कॉलम उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कॉलम कौन कौन सेलेक्ट हो गए, कलर, काउंट, प्राइस। दूसरे केस में जो हम देखते हैं तो सेकंड केस ये कह रहा है लिस्ट ओनली द कॉलम काउंट एंड प्राइस यूजिंग एलओसी। तो वो कह रहे कॉलम सिर्फ काउंट और प्राइस आने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। तो चूंकि अब कोई रो सभी सेलेक्ट होगी, तो फिर इसमें हम कॉलन लगाएंगे, और कॉलन लगाने के बाद सिर्फ रो को लिखेंगे। रो कौन कौन सी हो जाएंगी, काउंट और प्राइस, सॉरी कॉलम कौन कौन सी हो जाएंगे, काउंट और प्राइस। रो तो सभी सेलेक्ट होगी। देखिए बात ये है इसमें मेन पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि समझ में थोड़ी सी आसानी। ये देखिए यहाँ देखिए मैं मार्क कर लेता हूँ पॉइंटर। हाँ, ये कॉलम का नेम है आपका, क्या है कॉलम का नेम, काउंट। दूसरे कॉलम का नेम क्या है, प्राइस। तो ये दोनों कॉलम कलेक्ट करने हैं आपको, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, काउंट और प्राइस से रिलेटेड। तो एक लिस्ट की फॉर्म में हमने ये पास कर दिया। लेकिन जहाँ तक रो की बात है, तो हमें सभी रो का डेटा चाहिए काउंट और प्राइस कॉलम से रिलेटेड। तो वो हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सभी रो हमें सेलेक्ट करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने किसी भी रो को मेंशन नहीं किया, सिर्फ कॉलन का साइन लगाया। तो कॉलन से साइन से पहले रो सेलेक्ट होती हैं, और कॉलन के साइन के बाद आपके कॉलम का, हम कॉलम को मेंशन करते हैं। तो हमने रो को मेंशन नहीं किया, इट मीन सभी रो सेलेक्ट होंगी और सभी कॉलम सेलेक्ट होंगे। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट कहा गया है लिस्ट ओनली रोज विद लेबल एप्पल एंड पियर यूजिंग एलओसी। तो इसमें कहा गया है सिर्फ एप्पल और पियर वाली रो को आपको शो करना है, बाकी नहीं आप कुछ भी शो करना है। ठीक है,
तो देखिए, क्योंकि एप्पल अपीयर वाली रो को ही सेलेक्ट करना है, तो हम सिर्फ यहाँ पर ओनली रो का नेम लिखेंगे, ओनली रोज विद लेबल्स एप्पल एंड पीयर यूजिंग एलओसी। तो हम यहाँ पर रो का स्पेसिफिकली नेम लिख देंगे, एक थी एप्पल और दूसरी थी पीयर, रो का नेम लिख देंगे। तो इन रो से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो डेटा आपका स्क्रीन पर शो हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर आएगा। ये देखिए, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा एप्पल और पीएम। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रो का नाम लिख दिया, तो सिर्फ इसी रो से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो डेटा हमारा शो होगा। आगे चलते हैं। तो एलओसी है क्या? एलओसी बेसिकली एक एट्रीब्यूट है डेटा फ्रेम का। तो इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम रोज़ या कॉलम्स को सेलेक्ट कर पाते हैं, और अगर हमें करना हो तो हम इसके थ्रू आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा भी हमने देखा, इसका सिंटैक्स बड़ा आसान है। डेटा फ्रेम का नाम लिखिए, डॉट करके एलओसी लिखिए, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का और रो का नेम लिखते हैं, कॉलम से सेपरेट किए जाते हैं दोनों, और फिर वही कॉलम या वही रो सेलेक्ट होते हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन और है, एक्चुअली एग्जांपल दे रखा है समझाने के लिए एलओसी को। यूज़ डेटा फ्रेम डॉट एलओसी एट्रीब्यूट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सेल इन अ गिवन डेटा फ्रेम यूजिंग द इंडेक्स एंड कॉलम लेवल। तो इंडेक्स और कॉलम लेवल की हेल्प से हमको डेटा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लाइन जो हम लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, उसके बाद आपने एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम में ले लिया आपने वेट, नेम और एज, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने इंडेक्स क्रिएट करने के लिए डिफरेंट इंडेक्स ले लिए, रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4, रो अंडरस्कोर 5, ठीक। तो अभी आपको इंडेक्स क्रिएट करना है, तो आपने लिखा df डॉट इंडेक्स, इंडेक्स तो नाम लिया था आपने यहाँ पर इंडेक्स अंडरस्कोर। तो जो भी इंडेक्स होगा, इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है डेटा फ्रेम का, इसलिए हमने लिखा df डॉट इंडेक्स। बेहतर होता अगर हम इंडेक्स अंडरस्कोर ना लिख के, मान लीजिए मैं int लिखते, तो यहाँ पर int पास करते, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इससे कन्फ्यूज़ ना हो इंडेक्स अंडरस्कोर से। तो जो भी आपने इंडेक्स बनाया था उसको df.index से इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। मैंने अगर मैं इसे int ले रहा हूँ तो मैं इसको इक्वल टू int लिख दूँगा, तो अभी ये इंडेक्स बन जाएंगे सभी, रो अंडरस्कोर 1, रो अंडरस्कोर 2, रो अंडरस्कोर 3, रो अंडरस्कोर 4, रो अंडरस्कोर 5, ये सभी इंडेक्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, फिर उसके बाद हमको करना ये है कि हमको डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है, तो हम लिख देंगे प्रिंट df, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये डिफरेंट इंडेक्स बन गए। तो डेटा फ्रेम को अगर आप इंडेक्स देना चाह रहे हैं तो इंडेक्स इसमें एक एट्रीब्यूट आता है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए, एक तो ये रहा, दूसरा था बात करते हैं एलओसी की। अब हम यूज़ करेंगे डॉट एलओसी को। तो डॉट एलओसी एट्रीब्यूट को या एलओसी एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, डॉट तो ऑपरेटर है जिसके बाद किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ किया जा सकता है। तो पहले लिखते हैं डेटा फ्रेम, फिर लगाते हैं डॉट ऑपरेटर और फिर उसके बाद एलओसी। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने का तरीका ये है, अगर हमको वैल्यू रिटर्न करनी है तो देखिए हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम, फिर डॉट एलओसी, उसके बाद जिस रो को एक्सेस करना चाह रहे हैं उस रो का नेम, ठीक है। इसमें मैंने लिखा रो अंडरस्कोर 2, तो रो अंडरस्कोर 2 कौन सा है, ये आपका ठीक। और उसके बाद आपको अगर नेम को एक्सेस करना है, नेम वाली कॉलम को, तो आप ये लिख दीजिए, इसके थ्रू हम नेम को एक्सेस कर लेंगे। तो रो 2 और नेम पर क्या डेटा आ रहा है, ये ज़रा देखिए, रो 2 और नेम पर, रो 2 और नेम पर सिर्फ एंट्री आ रहा है, ये सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है। तो ये डेटा आपका विजिबल होगा, बाकी और कोई डेटा विजिबल नहीं होगा। एज वी कैन सी इन दिस आउटपुट द डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी एट्रीब्यूट हैज सक्सेसफुली रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट एट द डिजायर्ड लोकेशन इन द गिवन डेटा फ्रेम। तो जो भी लोकेशन पर डेटा वैल्यू प्रेजेंट होगी उस डेटा वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है आपका, ठीक।
इसी तरीके से अब ज़रा हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये दे रखा है कि इंपोर्ट पांडा से पीडी यहाँ दे रखा, और हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट किया, डिक्शनरी को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दी हमने इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर। ए बी सी डी दे रखे हैं इसके अंदर डिफरेंट डिक्शनरीज की कीज़, ऑब्वियसली ये कॉलम के नेम बन जाएंगे। एक इंडेक्स पैरामीटर हमने इंडेक्स अंडर स्कोर एक वेरिएबल लिया जिसके थ्रू हमने डिफरेंट इंडेक्स ले लिए और फिर इंडेक्स सेट कर दिया, फिर हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा फ्रेम बनेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, एक डिक्शनरी लें, डिक्शनरी में डिफरेंट कॉलम डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम का काम करती हैं, और जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो उसके लिए आप इंडेक्स एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक, अब ज़रा देखिए, अभी इसमें अगर हम पिछली बार क्या था, पिछली बार वाले केस में ये था, एक था एक मिनट, कि कॉलम का नेम था नेम, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। तो जैसे इस केस में हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें सभी रो सेलेक्ट करनी है लेकिन पर्टिकुलर कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो पर्टिकुलर कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो हम फिर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए उनको एक लिस्ट की फॉर्म में पास करेंगे, ठीक है, और कॉलन के बाद, कॉलन से पहले कुछ नहीं, कॉलन के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद उन कॉलम का नेम लिख देंगे जिनकी वैल्यू को, जिनके रिजल्ट को हम देखना चाह रहे हैं, अपना पार्ट बनाना चाह रहे हैं अपने आंसर का। तो इसमें हम देख पा रहे हैं रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव, सभी रो सेलेक्ट हो गई, लेकिन कॉलम जो सेलेक्ट हुए वो ओनली टू कॉलम सेलेक्ट हुए, क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर सिर्फ टू कॉलम ही दिए हैं। याद रखिए, रो और कॉलम को हम सेपरेट करते हैं कॉलम के साइन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। इवन दो वी कैन एक्सेस द पांडास डेटा फ्रेम बाय द नॉर्मल वे डेटा फ्रेम कॉलम नेम डॉट इंडेक्स, वी हैव अनदर टू वेज टू एक्सेस द डेटा फ्रेम। तो जनरली तो हम डेटा फ्रेम के एलिमेंट को एक्सेस कर ही लेते हैं नॉर्मल वे में, तो इस तरीके से किया था, डेटा फ्रेम और फिर कॉलम का नेम लिखेंगे, ठीक है, डॉट इंडेक्स करके हम पता कर सकते हैं। लेकिन आई एल ओ सी और एल ओ सी एट्रीब्यूट दोनों के थ्रू किया जा सकता है। तो अभी तक हमने आई एल ओ सी और एल ओ सी एट्रीब्यूट को पढ़ा, को इम्प्लीमेंट तो किया, अब थोड़ा सा कुछ थ्योरी देखते हैं इसके बारे में। एल ओ सी इज़ बेस्ड लेवल बेस्ड, विच मीन्स दैट यू हैव टू स्पेसिफाई रो एंड कॉलम बेस्ड ऑन देयर रो एंड कॉलम लेवल्स। तो जब एल ओ सी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रो और कॉलम को मैंशन करना पड़ता है वहाँ पर, जबकि एक और होता है आई एल ओ सी जिसे बोला जाता है इंटीजर इंडेक्स बेस्ड है, जबकि ये, तो इसमें क्या है आपका, आपको इंटीजर वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स बाय देयर इंटीजर। तो रो एंड कॉलम्स को उसको इंटीजर वैल्यू के बिहार पर अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर उस केस में हम आई एल ओ सी यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर पर्टिकुलर एक कॉलम आपको सेलेक्ट करना है एल ओ सी आर यू, तो आप आर यू लिखोगे, लेकिन आई एल ओ सी के साथ आप आर यू ना लिख के आप क्या लिखोगे, उसका इंटीजर लिखोगे, फोर लिखोगे, टू लिखोगे, थ्री लिखोगे, फोर लिखोगे, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर कार्स जो है वो आपका एक्चुअली में डेटा फ्रेम का नेम है, तो कार इज़ द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम। ऐसे ही सेकंड केस में यहाँ देखिए, आप थर्ड केस में यहाँ देखिए, यहाँ टू कॉलम्स, टू से ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर रखा है आपने। तो एल ओ सी गेट रोज एंड कॉलम्स पर्टिकुलर लेवल फ्रॉम द इंडेक्स, वाइल आई एल ओ सी गेट रोज और कॉलम्स एट ए पर्टिकुलर पोजिशन इन द इंडेक्स, सो इट कैन टेक्स इंटीजर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गिवन अ डेटा फ्रेम नेमली डब्ल्यू डी एफ एस शोन बिलो, सो राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम्स ऑफ ए डेटा फ्रेम। सेकेंड है इसका पार्ट, राइट कमांड टू कंप्यूट मीन ऑफ कॉलम रेनफॉल। थर्ड है राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी रो टू अ डेटा फ्रेम। फोर्थ है राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज ऑफ ऑल द कॉलम्स फॉर द लास्ट 10 रोज ओनली। एंड लास्ट पार्ट है राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज मैक्सवेल रेनफॉल फॉर फर्स्ट 10 रोज ओनली। तो वन बाई वन देखते हैं इसको हम। पहला ये हमारा डेटा फ्रेम है जो दे रखा है हमको, इसके अंदर आप देखेंगे कॉलम के नेम है मिन टेम्प, वेट अ मिनट, ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिन टेम्परेचर, रेनफॉल और एवेपोरेशन, ये रोज़ हैं
ये इसकी कॉलम्स हैं, रोज एंड कॉलम्स दोनों दे रखे हैं इसमें। हमको क्या करना है, हमको निकालना है वन बाई वन पार्ट इसके सॉल्व करने। पहला पार्ट दे रखा है राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम ऑफ द डेटा बेस। तो इसमें जो भी ये कॉलम है, फोर कॉलम्स दे रखे हैं, इन कॉलम्स का सम निकालना है। ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया और ये आखिर में हमारा कॉलम नंबर फोर हो गया। तो इन सभी का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम, ठीक है। जिस इस केस में डेटा फ्रेम का नेम होगा WDF, दे रखा है क्वेश्चन में, दे रहा WDF। आपको सम निकालना है तो फिर उसके बाद लगाएंगे डॉट, और डॉट लगाने के बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हो जाएगा सम। तो इससे क्या होगा, इस डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम होंगे उनका सम कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि हमने किसी कॉलम को, पर्टिकुलर कॉलम को मेंशन नहीं किया, इसलिए सभी कॉलम का सम मेंशन हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, सेकंड था राइट कमांड टू कंप्यूट मीन ऑफ कॉलम रेनफॉल। अब इसमें कॉलम दे रखा है, रेनफॉल कॉलम का मीन निकालना है। तो कॉलम का नेम दे रखा है, तो जब कॉलम का नेम दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम डेटा फ्रेम का नेम लिखेंगे WDF, ठीक है। और इसमें जो भी कोई कॉलम है उस डेटा फ्रेम का, कॉलम का नेम है रेनफॉल, तो रेनफॉल को लिखेंगे, ठीक है। देखिए, पिछली बार हमने यहाँ पर WDF के साथ किसी भी कॉलम का नेम नहीं लिया था, क्योंकि किसी भी कॉलम का नेम नहीं लिया था इसीलिए सभी कॉलम का सम निकल के आया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम स्पेशली मेंशन कर रहे हैं रेनफॉल, एक जो एक कॉलम का नेम है, और याद रखिएगा जब किसी आपको कॉलम का नेम लेना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा फ्रेम के साथ उसको लिखा जाता है। उसके बाद डॉट लगाइए, और डॉट लगाने के बाद फिर हमको इसको चूँकि इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो मीन लिखिए, ये हो गया आपका मीन निकल आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी रो ऑफ ए डेटा फ्रेम। अभी इसमें आपको क्या करना है कि जितनी भी रो है उन सभी रो का आपको सम निकालना है। जरा एक बार डेटा फ्रेम को देख लेते हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम है, तो रो वाइज सम निकालना है इस तरीके से, जितनी भी रो है इन सभी का सम निकालना है। तो हम लिखेंगे WDF डॉट सम, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सम निकलता है या कोई भी फंक्शन काम करता है वो एक्सिस ज़ीरो के अलोंग काम करता है, कॉलम वाइज काम करता है, ये हमको पता है। और अगर हमको रो वाइज काम करना है तो यहाँ पर हम रो एक्सिस पैरामीटर का यूज़ करेंगे और लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू वन। तो सम तो निकलेगा लेकिन सभी रो का, सभी रो का क्यों निकलेगा, क्योंकि WDF के साथ आपने पर्टिकुलर किसी रो को मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो सभी रो को निकलेगा, और रो का क्यों निकलेगा, रो का इसलिए निकलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर x इक्वल टू वन दिया है। अगर हम x इक्वल टू ज़ीरो देंगे तो कॉलम का निकलेगा, और अगर हम कुछ नहीं देंगे तो भी कॉलम का निकलेगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट x ज़ीरो होता है, जैसे फर्स्ट केस में था हमारे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर WDF डॉट सम इक्वल सम एक्सिस वन। आगे देखते हैं पार्ट नंबर फोर, राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज ऑफ ऑल द कॉलम्स फॉर लास्ट 10 रोज ओनली। तो सभी कॉलम का तो सम निकालना है, लेकिन सिर्फ उन रो का, लास्ट 10 रोज का निकालना। तो इसमें फ़िल्टर लग गया, किस पर, रो पर फिल्टर है, कॉलम पर कोई फ़िल्टर नहीं। कॉलम सभी सेलेक्ट होंगे पर रो जो सेलेक्ट होगी वो लास्ट की 10 रोज सेलेक्ट होंगी। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो LOC एट्रीब्यूट प्ले करता है आपका। तो आप लिखेंगे WDF, ठीक है। WDF क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, फिर लिखेंगे LOC एट्रीब्यूट से पॉसिबल है ये। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, लास्ट की 10 चाहिए, टोटल है 20 और लास्ट की 10 चाहिए, तो इसका मतलब 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो लास्ट की 10 निकलेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 11 से लेकर 20 तक क्या हो जाएंगी, लास्ट 10 रोज हो जाएंगी। स्टार्टिंग पोजीशन लिखेंगे 11, ठीक है। 11 के बाद कॉलन लगा, कॉलन का साइन, 11 के बाद कॉलन का साइन का मतलब है अभी इसके बाद रो सेलेक्ट करनी है, हमें एंड वैल्यू दे रही है, पर हम एंड नहीं देंगे, एंड का मतलब है लास्ट तक। तो जितनी भी रोज थी 20 तक वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगी। कॉमा लगा के मुझे कॉलम का नाम लिखना था वो मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसका क्या निकालना है, इसका मुझे मीन निकालना है, तो डॉट करके मैं मीन लिखूंगा, तो इससे के थ्रू क्या हो जाएगा, मीन निकल आएगा आपको।
तो मीन निकल के आ जाएगा इस केस में। चलिए एक ही हो गया आपका। लास्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका, राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज मैक्स टाइम रेनफॉल ऑफ फर्स्ट 10 रोज। तो आपको इसमें दो काम करने हैं, पहला तो ये करना है आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। और वो किस किस का कैलकुलेट करना है भाई, वो करना है आपको एक तो मैक्स टाइम का और एक रेनफॉल, ये दो कॉलम है, और इसमें भी फर्स्ट 10 रोज का कंप्लीट करना है। देखिए क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे पहले डेटा फ्रेम का नाम जो होगा wdf.loc लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट 10 का लिखना है तो स्टार्ट पोजीशन लिखेंगे नहीं, कॉलन लगाएंगे, एंड पोजीशन क्या लिखेंगे 11, क्योंकि 11 तो एक्सक्लूड होगा। कॉलम के नाम लिख देंगे मैक्स टाइम, शॉर्ट में MXT लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। और दूसरा हो जाएगा कौन सा, रेनफॉल। मिनट आप क्वेश्चन को देखिए दोबारा से, कंप्यूट एवरेज मैक्स टाइम एंड रेनफॉल फॉर फर्स्ट 10 रोज। ओके, तो फिर आपको दूसरा लिखेंगे आप रेनफॉल। अब क्या निकालना है आपको इसका, चूंकि मीन निकालना है तो आप डॉट करके मीन लिख दीजिए, तो इससे इसका मीन निकल आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व आपको करना है, ठीक है। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसको, कॉन्सेप्ट को, पिवोट को। ए डेटा फ्रेम FDF स्टोर्स डेटा अबाउट पैसेंजर फ्लाइट्स एंड ईयर्स। फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ डेटा फ्रेम आर शोन लो, तो कुछ रो दे रखी है हमारे पास। क्वेश्चन हमसे पूछा है कंप्यूट टोटल पैसेंजर पर ईयर, तो पर ईयर हमको पैसेंजर निकाल लें, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वहाँ पर आपको पिवट अंडरस्कोर टेबल ही यूज़ करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल, फिर लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स में लिखेंगे ईयर, क्योंकि ईयर वाइज निकालना है। वैल्यू हो जाएगी पैसेंजर, क्योंकि वैल्यू हमको पैसेंजर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो फंक्शन अप्लाई होगा, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होगा, वो होगा सम। तो होगा क्या कि आपका इंडेक्स बन जाएगा ईयर, ठीक है, वैल्यूज़ हो जाएंगी पैसेंजर, और उनका क्या निकलेगा, आपका सम निकलेगा। तो ये डिटेल आपकी निकल के आ जाएगी, इसमें आपका टोटल पैसेंजर पर ईयर कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूट एवरेज पैसेंजर पर मंथ, तो इंडेक्स में ईयर की जगह मंथ आ जाएगा, वैल्यू पैसेंजर सेम रहेगी, फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन अब हो जाएगा एग्रीगेट फंक्शन मीन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अपने वीडियोस में, अभी इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे और इनको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और ये बताएंगे कि क्या चेंजेस करने से किस तरह के इम्पैक्ट आपके आउटपुट पर पड़ते हैं। तो डेटा फ्रेम के अंदर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका हम प्रोग्राम वाला पार्ट देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूशन में आपका एग्जीक्यूट होते हैं, और एग्जीक्यूट होने के बाद चेंजेस करने पर किस तरीके से आंसर इसका वेरी करता है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।